नमस्कार, आज की खबर चैनल में हम आपका स्वागत करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे दोस्तों आज के हमारे इतिहास के बारे में। हम आपको बता दें दोस्तों, आज 30 जनवरी 2018 हम आपको बताने जा रहे हैं 30 जनवरी के रोज हमारे इतिहास में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई है। हम आपको बताएंगे दोस्तों 30 जनवरी के रोज कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन जन्म हुआ है। हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों 30 जनवरी के रोज हमारे इतिहास में कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन देहांत हुआ है। हम आपको इन सब बातों की जानकारी हमारे इस वीडियो के अंदर देंगे। तो दोस्तों, आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसको सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें। शुरू करते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं आज कौन सा दिवस है। हम आपको बताएं दोस्तों, आज 30 जनवरी है। हम आपको बताएं 30 जनवरी 1948 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी दोस्तों। तो आज के दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है और आज के दिन को शहीदी दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आपको ये बताएं दोस्तों, आज के दिन 30 जनवरी 1948 को सबसे बड़ा दुखद दिन था। उस दिन जो नाथूराम गोडसे नामक युवक ने महात्मा गांधी को बिरला हाउस में, जब महात्मा गांधी प्रार्थना सभा कर रहे थे, उस दौरान उनको गोली मार दी गई। हाँ दोस्तों, और गोली मारने के बाद नाथूराम गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन महात्मा गांधी उस दिन हमारे बीच नहीं रहे और उस दिन को याद करते हुए दोस्तों आज का दिन मनाया जाता है। आज का दिन को हम शहीद दिवस या शहीदी दिवस भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम और हमारा जो चैनल है आज की खबर महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन जन्म हुआ है। हम आपको अपडेट करते हैं दोस्तों। हम आपको बताएं, आज जन्म हुआ है जयशंकर प्रसाद। हाँ दोस्तों, आज के दिन जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ है 30 जनवरी 1889 को और इनका देहांत हुआ है 15 नवंबर 1937 को। हम आपको बताएं दोस्तों, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो फेमस उपन्यासकार, नाटककार और कवि रहे थे दोस्तों। आज जन्म हुआ है चिदंबरम सुब्रमण्यम का। हाँ दोस्तों, आज के दिन चिदंबरम सुब्रमण्यम का जन्म हुआ है। चिदंबरम सुब्रमण्यम का जन्म हुआ है 30 जनवरी 1910 को और इनका देहांत हुआ है 7 नवंबर 2000 को। हम आपको ये बताएं दोस्तों, चिदंबरम सुब्रमण्यम भारत में हरित क्रांति के पिता कहे जाते हैं। हम आपको यह बताते हैं दोस्तों, जो हमारे चिदंबरम सुब्रमण्यम है उनको हरित क्रांति का पिता क्यों कहते हैं। हम आपको ये बताएं दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे अलग अलग राज्यों में भुखमरी, अकाली फैली हुई थी। तो दोस्तों, इन सबको दूर किया किसने? चिदंबरम सुब्रमण्यम ने। वो उस समय कृषि मंत्री रहे थे। तो दोस्तों, उस समय उन्होंने अच्छी अच्छी योजनाओं को क्रियान्वित किया। तो उन योजनाओं के कारण ही जो हमारे देश के अंदर 1972 के अंदर अच्छी फसल हुई और इस कारण जो हमारी गरीबी है, हमारी भुखमरी है, उसको उन्होंने दूर किया। तो इस कारण उनको हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। हम आपको ये बताएं दोस्तों, उनके इस अमूल्य योगदान के लिए उनको भारत सरकार ने साल 1988 में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया। हम आपको ये भी बताएं दोस्तों, जो चिदंबरम सुब्रमण्यम है वो राज्य के विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों पर भी रहे। वे राज्य के वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और विधि मंत्री भी रहे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज जन्म हुआ है अमृता शेरगिल का। आप जानते होंगे दोस्तों, अमृता शेरगिल एक चित्रकार है। हम आपको ये बताएं, इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी 1913 को और इनका देहांत हुआ था दोस्तों 5 दिसंबर 1941 को। हम आपको ये बताएं दोस्तों, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था बुडापेस्ट में। हम आपको ये भी बताएं दोस्तों, अमृता जो शेरगिल है उनको बचपन से ही कला, संगीत और अभिनय करने का शौक था और जो इनका ही शौक है वो बाद में इनका प्रोफेशन बन गया। अमृता शेरगिल भारत की एक फेमस चित्रकारों में से एक थी। आज जन्म हुआ है दोस्तों प्रियदर्शन का। हाँ दोस्तों, प्रियदर्शन को तो आप जानते होंगे, जिन्होंने हेरा फेरी मूवी को डायरेक्ट किया था दोस्तों। प्रियदर्शन का जन्म हुआ है दोस्तों 30 जनवरी 1957 को। हम आपको ये बताएं दोस्तों, प्रियदर्शन भारत के फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं और इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला है।
हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज जन्म हुआ है लिम्बा राम का। हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे लिम्बा राम को कि हमारे देश का जो फेमस तीरंदाज है उनका क्या नाम है। तो दोस्तों उनका नाम है लिम्बा राम। लिम्बा राम का जन्म हुआ है 30 जनवरी 1972 को। लिम्बा राम भारत के फेमस तीरंदाज है। हम आपको बताएं दोस्तों, लिम्बा राम ने 1992 में एशियाई चैंपियनशिप मुकाबले में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था। हम आपको ये भी बता दें दोस्तों, 1992 में बार्सिलोना में ओलंपिक हुआ था और उस ओलंपिक के अंदर लिम्बा राम सिर्फ पदक से चूक गए थे, सिर्फ एक अंक से। हाँ दोस्तों, उस समय भी लिम्बा राम पदक लेके आते लेकिन एक अंक ना मिलने के कारण वो पदक से चूक गए थे। तो दोस्तों लिम्बा राम को हम हमेशा याद करेंगे और आज उनका जन्मदिन है तो उनको हम जन्मदिन की बधाइयाँ देते हैं। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, आज के दिन कौन कौन से महापुरुष है जिनका आज के दिन देहांत हुआ है। हम आपको ये बताएं दोस्तों, आज के दिन देहांत हुआ था महात्मा गांधी जी का। हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 को और इनका देहांत हुआ था 30 जनवरी 1948 को। हम आपको बताएं दोस्तों, महात्मा गांधी भारत देश के पितामह यानी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे वो राष्ट्रपिता हैं, पूरे देश के पिता हैं दोस्तों। और उनको हम एक नाम से और जानते हैं दोस्तों, साबरमती का संत। हाँ दोस्तों, आपने एक गाना भी सुना होगा, इनके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी जी को हम आज और कल और हमेशा याद करते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की आज पुण्यतिथि है। तो दोस्तों हमारा जो चैनल है आज की खबर, महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज देहांत हुआ है दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी का। हाँ दोस्तों, आज के दिन माखनलाल चतुर्वेदी का देहांत हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ है 4 अप्रैल 1889 को और इनका देहांत हुआ है दोस्तों 30 जनवरी 1968 को। माखनलाल चतुर्वेदी भारत देश के फेमस कवि, लेखक, पत्रकार और अध्यापक थे। हम आपको ये भी बता दे दोस्तों, साल 1949 में इनको साहित्य अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं दोस्तों, आज के दिन कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं जो घटित हुई है। दोस्तों हम आपको बताएं, 1948 आज के दिन महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। हाँ दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं साल 1948 के अंदर वो 30 जनवरी का दिन था जब नाथुराम गोडसे नामक युवक ने, प्रार्थना सभा चल रही थी बिरला हाउस के अंदर, उस सभा में जाकर महात्मा गांधी को गोली मार दी। तो दोस्तों आज के दिन महात्मा गांधी की हत्या करी थी। यह है हमारा आज का इतिहास। आप हमारा जो चैनल आज की खबर उसको सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक देना ना भूलें। नमस्कार।